उगे शायर अते लेखक सरदार अनूप सिंह नूरी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा विराजे। उनां दी याद विच इक धार्मिक समागम दा आयोजन पिंड काकड़ कलां लोहियां खास जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदार अनूप सिंह नूरी जी दा जन्म माता सकत्तर कौर होणा दी कुखों पिता सरदार हरि सिंह जी दे घर पिंड सैदपुर कपूरथला विखे सन 1935 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही प्रतिभावान शख्सियत सन। जन्म तो कुछ समय बाद ही आप जी दे माता जी दा देहांत हो गया। आप जी दा बचपन आप जी दे नानके पिंड सैदपुर विखे पंथ प्रसिद्ध कीर्तनिये भाई ज्वाला सिंह जी दी छत्र छाया हेठ बतीत होया। मुढली पढ़ाई सैदपुर तो करन उपरंत करतारपुर दे सरकारी स्कूल तो 10वीं तक दी पढ़ाई कीती, उपरंत पटवारी भर्ती हुई। आप जी ने अपनी नौकरी नु बहुत ही मेहनत ईमानदारी अते तनदेही नाल कीता अते प्रमोशन हासिल करदे हुए आप जी बतौर कानो को रिटायर हुए। रिटायर होने उपरंत करतारपुर ते सुल्तानपुर लोधी दे गुरुद्वारा बीबी नानकी जी विच मैनेजर दी सेवा निभाई। इस सेवा काल दौरान आप जी ने कोई 15 को धार्मिक अते समाजिक विषय ते पुस्तकां लिख के लोक अर्पित कीतियां। आप जी कई साल नवा जमाना अखबार विच अजनामा भी लिखते रहे। आप जी ने बहुत सारे कवि दरबारां विच उगे शायर वजों शायरी दे रंग भरे। सरदार नूरी समय अनुसार झटपट ही काव्य रचना करन विच माहिर सन। मौजूदा समय विच सरदार अनूप सिंह नूरी अपनी बेटी रंजीत कौर अते जवाई सरदार रतन सिंह काकड़ कलां पास रह रहे सन अते अपना जीवन बसर कर रहे सन। सरदार अनूप सिंह नूरी हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तों इलावा सरदार बलजीत सिंह हीरा ब्लाक प्रधान लोहियां, तेजिंदर सिंह रामपुर, रंजीत सिंह राणा जानियां, गुरदीप सिंह नंबरदार, जीवनदीप तेजी, जसवीर सिंह जलालपुरी, सविंदर सिंह सोनू प्रधान ब्लाक प्रधान शाहकोट, हरजिंदर सिंह मिंगेवाल, हरजिंदर सिंह लोहियां, आजादवीर सिंह लोहियां, पूरन सिंह टेसी, अजैब सिंह पिपली, नवनीत सिंह शाहकोट, गुरदेव सिंह पिपली, हरविंदर सिंह मठाड़ू, रूपलाल शर्मा, मनोज कुमार अरोड़ा, कृष्ण कुमार बिट्टू, जसपाल परजिया, उधम सिंह खुरलापुर, बलबीर सिंह ब्लाक प्रधान शाहकोट, बलकार सिंह चट्ठा, बीबी सरबजीत कौर माणू के विधायक जगराऊं, प्रिंसिपल प्रेम कुमार प्रधान देहाती जलंधर, बलविंदर सिंह कंग, आत्मा सिंह, दलजीत सिंह लोहियां, गुरजीत सिंह जम्मू पत्रकार लोहियां, बलविंदर सिंह विक्की पत्रकार लोहियां, जगदीप सिंह टुरना, महिंदर सिंह मेंबर पंचायत सज्जनवाल, बाबा गजन सिंह शाहकोट, सुखदेव सिंह शाहकोट, कुलदीप सिंह दीद, जगपाल सिंह मिगलानी, अमरीक सिंह योद्धा, सनी जलालपुर ने शिरकत की अते परिवार नाल दुख सांझा कीता। ਛਤਰ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਜੀ ਰਾਜੀ ਰੰਗ ਰੱਖੀ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਮਰਤ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਤੀ ਚਾਰ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ, ਮਿਰਦਿਆ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ।
नदियां पानी जरा है दरियावान लगातार चल रहा है। जो पानी एक बार पुल के तलों की लंघ जाता है वह दोबारा उस पुल के तलों की नहीं लंघ जाता, जो लंघ रहा है वह लगातार बढ़ रहा है, लगातार जरा चल रहा है। उसको चलदियां देख के सू इस गल की पहचान हो जानी चाहिए है साडा जीवन भी नदी की न्याणी है। नदी दो किनारियों के बीच है, दरिया दो किनारियों के बीच बढ़ा होया है। साडा जिहड़ा जीवन है यह भी दो किनारियों के बीच बढ़ा होया है। ये दो किनारे कितने कितने ने, एक है जन्म का किनारा ते दूसरा है मौत का किनारा। जन्म ते मौत के विचारे का जिहड़ा समा सी उसनूं जीवन आखदे आ। जन्म ते मौत ते समय के विचारे जो चल रहा है वह साडी कर्मां दी खेल है। उहदे विच मनुख ने कर्म कमाउणे ने ते कर्म करांदे आ जीवन के अंदर इहदा मकसद की है, संसार ते आउण दा लक्ष्य की है, भई प्राप्त मानुख दिहरिया गोबिंद करन की इह तेरी बरी। यह हर किसी के जीवन का निशाना है, यह हर किसी के जीवन का प्रचोदन जिहड़ा सानू इस जीवन की प्राप्ति के नाल प्राप्त होया और इस नूं हर किसी ने जीवन के प्राप्त करना है। जिहड़ा प्राप्त कर लैंदा है उस नूं असीं आखदे हां गुरमुख लाहा लै गए। गुरमुख दा जीवन का लाहा हट के संसार तो गए ते जिन्हां ने ध्यान नहीं दित्ता, जिन्हां दी बात सतगुरु ने समझाया बहती जात कदे दृष्ट ना धार। जन्म तो लैके साडा निंदा प्रति जीवन जिहड़ा है वह समाप्त हो गया, जिथे साडी सूझ समझ उच्ची हुंदी है, ज्ञान साडा संसार दे नाल जुड़ के वड्डा हुंदा है, पर उत्ते जिहड़ी जीवन दी लोड़ है वह निंदा प्रति जिहड़ी है घटदी जा रही है, निंदा प्रति जिहड़ी छोटी हुंदी जा रही है। जिस समय में सब तो वधिया आख्या गया उसनू असीं आखदे आ मात करम दा समा, जिते परम गुरु परमात्मा दे नाल हर एक दी सुरत जुड़ी हुई है। मात करम है आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे पावक सागर तथा लहर में तारो तारण हारे माधो तू ठाकुर सिर मोरा ईहां ऊहां उस समय का अंत किसने किया। माघी रागत पिता जन धारा तो उस जीवन की आरंभता हुई थी। माता के पुत्र में प्रतपाल करे मिल संजोग हुक्म तू आया। यह जिहड़ा करते हुए हुक्म दे विच संजोग होया, मर्यादा दे विच संजोग होया, उह तो मात गर्भ दे जीवन का आरंभ होया है। और मात गर्भ दे जीवन का जिहड़ा अंत है उह कदों होया, जदों संसार दे लोकां ने आख्या साडे घर जीव ने बाल रूप दे अंदर जां बेबी रूप दे अंदर। देखो दो ही तरीके ने, दो ही जिहड़ियां मर्यादा नर है ते नारी है, मर्द है ते स्त्री है। ये दो ही ने जातियां परम पुरख परमात्मा ने बनाईया ने जिन्हां तों सारे संसार की जिहड़ी प्रकृति है चल रही है, जां संसार ते बेटी दे रूप विच जन्म होवेगा जां पुत्तर दे रूप दे अंदर जन्म होवेगा। पर जदों ये जन्म होवेगा, जदों ये साडा जीवन आरंभ होया तो मात गर्भ दे जीवन की समाप्ति है। और जो संसार में साडा जीवन आरंभ होया ते जीवन चलदियां चलदियां जो रूप धारण करदा है, पहले प्यार लगा थन दुख, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भरिया भाभी वेद, चौथे प्यार उपरनी खेड, पंजवे खान पीन की ताद, छेवे कामला पुछे जात, सतवे सन किया करवास, अठवे क्रोध हुआ तन नास, नौवे ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾ, ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ,
ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦੀਏ ਕਾਮ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਤਰੇ ਰੂਪੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਇਆ, ਦਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਸ ਰਵਨ ਕਿੱਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ, ਚਾਲੀਸ ਪੁਰ ਹੋਏ ਪਚਾਸੀ ਪਖ ਕਿੱਸੈ, ਸੱਠੀ ਕੈ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੈ, ਸੱਤਰ ਕਾ ਮਤਹੀਨ ਅੱਸੀਹਾਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਨਵੇਂ ਕਾ ਸਹਿਜਾਤਨੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਪ ਬਲ, ਟੰਡੋਲਮ ਢੂੰਡਮ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਧੌਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, 12 ਵਰਸ ਬਾਲਪਨ ਕੀਤੇ, 20 ਵਰਸ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਕੀਓ, 30 ਵਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਆਪ ਪਛਤਾਣਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਸਾਇਆ ਰਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਕਰਿਆ। 12 ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 20 ਵਰਸ ਕਛ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਓ, ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 32 ਤੇ 30 12। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੱਠੀ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, 30 ਵਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਅਬ ਪੁਸ਼ਪਾਲਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਭਇਓ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਪਰਿਆ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਿਆਈ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਡਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਮਹਿਲ ਵਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੇਹਸਾਬਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਤ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਵੇਖ ਕਰ ਮਨ ਚੰਗੇ ਵਾਰੂਦਵਾ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜੀਵਦੇ, ਹਾਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੋ ਸੱਚੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ
सोने तिरथ सच्चे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र रूप में जुड़ गए जी गुरु प्यार के सात संग जीव सतगुरु जी की गोद में बैठ के अति सत्कार योग सरदार अनूप सिंह जी नूरी जो आप बहुत वधिया कवि जिन्होंने कई किताबा लिखिया हमें ही साडे वीर अमृतपाल सिंह जी ने विचार की सांझ की है उन्होंने मिठी और प्यारी याद में अब आप सारे जुड़ के सतगुरु की गोद में बैठे हाँ। उन्होंने समुचा परिवार उन्होंने बेटियां बेटे जवाई सतगुरु की गोद में समुचा परिवार आप नगर निवासी इलाका निवासी सतगुरु की गोद में जुड़ के बैठे संसार जो कुछ दिस रहे है चाहे आकाश उड़न वाला पंछी है चाहे धरती तो उगर वाला कोई फल पौधा है चाहे कोई धरती से तुरन वाला जीव है हर एक दिन दिलसना है। सतगुरु जी ने एक बड़ा प्यारा उद्देश बख्शिश किया है जो भी दुनिया को कोई जीव शरीर तौर पर जाता है जिनको असि मौत कहते हैं गुरमत कहती है कि ढांचा है एक बिल्डिंग है इमारत है इमारत दिखती है कि असं उस मौत का नाम दे देते हैं वास्तव तो सारा मटीरियल जितों निकलिया असं वापस उत ही गए आओ सतगुरु की गोद में जिन्होंने जल पानी छक ले बाहर कुर्सियों से बैठने की बजाए गलां बातें करने की बजाए अंदर आ के सतगुरु की गोद में सजे हुए पंडाल में बैठिए ताकि आप रल मिल के गुरुआ दिनों की सांझ पा सकी अद सत्कार सारी संगत फतेह प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का पाठ करने वाले थोड़े कई गुरमुख प्यारे संगत में विराजमान हो गए जदों मौत शब्द आता है तो असी सिर्फ इको ऐसा समय है जो असी मौत नाल याद करते जो ये शरीर चो प्राण निकल जाते हैं आप कहीं फलाना बंदा चढ़ाई कर गया है तो मौत हो गई पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तीन किस्म की मौत का जिक्र है दो किस्म की ऐसी मौत है जिसके बारे साडा ध्यान कभी गया ही नहीं जो असं सतगुरु की बाणी का पाठ पढ़ते हैं तो आप तीन प्रकार की मौत की उदाहरण गुरबाणी में ले सकते हैं जो बुझे सो बिनस है पर आज के काल नानक हर गुण गाए ने छाड़ सकल चंजा यह मौत है कि जो पैदा होया उन्हें एक दिन बिनसना है शरीर तौर पर जाना है। दूजी मौत का जिक्र आप बाणी चो पढ़ते हैं जो मनुख सिंचाई नालों टुट के बुराई वाले बंदे जाता है उन्हें कहते आत्मक मौत जिन बाबा बाणी पढ़ते आखा जीवा सारे बोलो आखा जीवा विसर मर जा शब्द उठे मर जा बड़िया लाभ मिले कि वह सच्ची मर गए बड़े लोग ने जिन्होंने परमेश्वर याद नहीं कि वह सच्ची मर गए उसे मरण का अर्थ है शरीर तौर पर तुरे फिरते हैं पर अंदर जमीर नहीं तीजी किस्म की मौत गुरमुख प्रवान है कि शब्द मरो फिर जीवो सदा गुरु के शब्द द्वारा गुरु की सिख्या द्वारा बुरिया कामों वालों मरना चंगिया कामों वाले बने जुड़ने जो आप जपजी साहब च रोजाना पढ़ते संयोग योग दोए कार्ज नाम लिखे आवै भाव ध्यान सुनने का गल सुन पैदा संयोग और वियोग दो शब्द ऐसे ने पूरी दुनिया इन दो शब्दों के उत्ते खड़ोती हुई है। संयोग कहते हैं मिलना वियोग कहते हैं विछड़ना
एक बंदे संयोग हो रहे हैं दूसरे बंदे योग हो रहे हैं। एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे कुछ लोग जो हम जा रहे हैं अपने परिवार के मेंबर घरों गए ने छे जाने आना उन्हें बंद ने एक चढ़ा आना है उन्होंने योग हो गया। कुछ गए ने घरों गए विदेश चो कोई आया वो पांच गए ने वो छे आ रहे हैं। इक्के एयरपोर्ट से संयोग भी हो रहे ते विजोग भी हो गए यानी कि खुशी भी हो रही है। खुशी उन्होंने हो रही है जो लैन गए ते अच्छा चाहे बोलना देने जिधर जीवन हो तो रहने पूरी दुनिया पे तीही है आप पेटियों तीही तोड़ दे ये तो जो हो रहे हैं जिसका व्यायी जा रही है वो किस जोग हो रहे एक बने संजोग है एक बने जोग है उन्हें तो लालो आप संसार में बंदा जो बुरे काम करता है बुराई वाले बने संजोग हो गया तो जा चमियाई वाले बने जोग हो गया जो बंदा बुरा काम करता है चमियाई चंगे काम वाले बने बन जाता है। उन्हें बंदे ने सोचना कि मैं संजोग चंगे था करना कि माड़े था करना है दो शब्द ये संजोग के जोग उन्हें थोड़ा नशा करना है तो जब देखो सुन एक व्यक्ति नशा करता है जिहड़ा समा उन्हें अपने परिवार नूं अपने बच्चियां नूं अपने माता पिता नूं देना वह समा नशिया च ला दिंदा है। जिहड़े उहदे नाल नशा पीण वाले ने उधर हो रहे संयोग ते परिवार वाले नूं डीक रहे इधर हो रहा वियोग वह डीक रहा भी कदों बैठी आऊगा मां बाप डीकते ने कदों साडा बोलो सारे पुत आएगा बच्चे डीक रहे ने कदों साडा डैडी आएगा पत्नी डिग्री कदों मेरा पत इधरों योग हो रहा कि जिन्हें बह के पी रहा नशा उधर संजोग हो रहे जिन्हें जुआ खेल रहा उधर संजोग हो रहा जिन्हें जेड़े परिवार के जी ने डीक रहे ने भी यह समा उन्हें समझना सी इधर योग हो रहे। अच्छा एक दिन समा आया पता नहीं मान जी किया है उन्हें नशा छा दिता अज नशा पीने वाले डीक रहे ने अज पत्नी को बैठा है अज अपने बच्चों को बैठा है अज अपनी मां को बैठा है अज मां बाप पत्नी बच्चों नाल हो गया संयोग जिन्हां नाल नशे पीता सी जिन्हां नाल जुआ खेलता सी उधर हो गया वियोग। शब्द दो ही रहने ने संयोग ते वियोग यह फैसला आपां करना भी संयोग करना कहड़े बंदे आपां रोज पढ़ते हैं संयोग वियोग दोए कार चुनाव है पूरी कायनात इस संयोग ते वियोग दो शब्दों की खड़ोती हुई है दो शब्दों की खड़ोती हुई है संयोग ते वियोग इन दो शब्दों ने ही सारी दुनिया कर ली है। एक बने संयोग हो जाता दूजे बने वियोग हो जाता पता टुट रहा है वियोग हो रहा है फिर नवा टूट रहा है संयोग हो रहा है पता टुट रहा है ये तो पता टुट के थले जा रहा है योग हो रहा विछड़ रहा पता दरकता उथे नाल एक नवे पता नवी प्रवृत्ति फुट रही है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने इस प्रथा के बहुत प्यारे शब्द रखे साहब जी कहते हैं कुछ जी शरीरक मौत है ये भी तो ना कोई बचे है कि ना किसी ने बच सकना है हाँ कोई परहेज कर ले ठीक इलाज कर लै तो दो चार साल बाद कर दे पर यह बंदा कहे कि मैं दुनिया तो जावा ही ना चाहे वह धर्मी है चाहे वह अधर्मी है शरीर के तौर पर हर एक इस संसार को जाना पड़े। कवि अनूप सिंह नूरी जी की अंतिम अरदास में शामिल होने लिए इकट्ठे हुए हैं पर भाई साहब जी हमने कवि नूरी जी बारे जानकारी देते गए दस के गए उन्होंने जीवन बारे नूरी जी उन्होंने जितों तक मैं जानता आते जाते रहे कि अंकल जी उन्होंने कोल मिलते रहे बहुत वधिया इंसान सीगे ते उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच 22 किताबां लिखियां जो कि पढ़न का भी मौका मिलिया बहुत अच्छे इंसान सी ऐसे जीव का आना भी मुबारक ते जाना भी मुबारक। मेरे नाल सरदार बलदेव सिंह बदल जी वह भी जो एन पी टी डायरेक्टर सन
परिवार है हरि साहब जी का गोबिंद सिंह जी प्रिंसीपल बीबी परमिंदर कौर जी जो वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसीपल हैं ये साढ़े जेडे गोबिंद सिंह जी हैं ये भी प्रिंसीपल हैं और इन्होंने भी मेरी संगरूर के कवि दरबार होर भी कई बार इतने करतारपुर साड़ियाँ मुलाकात होती रही है सरदार रतन सिंह जी जिन्होंने अब इतने समागम हो रहा इतने ज़्यादा रहे आके और इन्हों भी मेरी इतने भी मैं कई बार आया हाँ तो यह हमने जोड़े सरदार सरबजीत सिंह जी धुंदा जोड़े कथावाचक सन वो बजुर्गों की गल कर रहे थे तो साध संग बजुर्ग जोड़े है ना वो कोई कोई करता कि गल बिल्कुल सच एक उन्होंने टच दे रहे सन के वो जी जरा दिल्ली सिंह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी शंकर रोड है शंकर रोड में उन्होंने वृद्ध आश्रम बनाया हुआ है उस सारे पढ़े लिखे बच्चों ने अपने बच्चे माँ बाप को उत्थे छोड़िया सरदार अनूप सिंह डोरी जी मेरे उस्तादा होंगे सन करतारपुर उन्होंने नाल मैनू तकरीबन 10 साल उन्होंने संगत करने का मान प्राप्त होया लिखा कि जंग याद ही उन्होंने करता है जंग याद ही उन्होंने करता है जो चंगे बन के खिलाते ने सरदार अनूप सिंह नूरी वांगर महका पिछे छड़ जाते हैं सरदार अनूप सिंह नूरी जी जो इस दुनिया में अर्ग का आ गया है वो साढ़े मैं परिवार को कोई फर्क नहीं गा तो इस करके अज
उन्होंने इस समागम के शामिल होने के लिए मेरे नाल मेरे साथी एडवोकेट सुल्तानपुर लोधीपुर जगत सिंह राणा डॉक्टर सुवर्ण सिंह जी साहब सर ग्रंथ शादी साहित्य सभा के प्रधान उनके पत्रकार ने नरेंद्र सिंह जी सोनिया वो भी आए कले आए नानका सदे उठ जाए ते महावाक अनुसार तब जगत की महान शख्सियत सरदार अनूप सिंह जी की शख्सियत बारे बोलना कोई आसान काम नहीं है। ये इस तरह ही है कि जिमें कि कुछ समुद्र अनुपन्न करना मेरे तो पहला बुलाया ने उन्होंने सहयोगी कमियां ने उन्होंने शख्सियत बारे चानना पाया इस करके मैं बहुता समा सानू सिंह नूरी जी की जिंदगी के बारे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इन्ना क जरूर है कि उन्होंने लगभग 35 साल एज ए पटवारी कानून जॉब की है तो लगभग 25 साल अलग अलग गुरुद्वारे एज ए मिनिस्ट्री की है पर उन्होंने मिला के उन्हें लगभग 50 साल साहित की सेवा की तो लगभग 22 किताबा उन्होंने धार्मिक तो समाजिक मुद्दों से संबंधित इस जगत समाज की घोड़ी में पाइया ने जिन्हें अभी बहुत ही रहने संस्कार अच्छे दिते तो उन्होंने उच्च विद्या दे के इस संसार के विचरण वास्ते उन्होंने बड़ा एक सुखाला जो रास्ता है वो बनाया है। अजक वो अलग अलग खेतर साढ़े व्डे वीर सर रतन सिंह जी के भैन जी रणजीत कौर वो अपने राजसीट के बिजनेस के बहुत बड़ी बड़िया पलंघा खुद के समाज की सेवा कर रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी उन्होंने छोटी बेटी डॉक्टर रविंदर कौर सचमुच खेत्र के अपनी जी सेवा निभा रही है। 22 किताबों के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नूरी साहब दिया 2 किताबा श्रोमणी साहब का रूप जन्म साहब का रूप उन्होंने प्रमाणित करके धर्म प्रचार के हरेक के केंद्र के भेजा गुरबाणी का महाभारत बख्शिश वाला लग रहा बेशक बापू जी कह भी सदा अनूप सिंह नूरी जी अक्सर बैठ के मैं जब भी इन्हों मिली है महीने च एक या दो बार जब भी रतन सिंह काका जी ने मिलन आना सब तो पहला मैं तो रणजीत भैन अक्सर गल्ला करती होंगे कि इस घर का जिंदा अनूप सिंह नूरी जी से इस घर के उत्ते इन्होंने बख्शिश का ऐसा साया सी कि जब भी इन्होंने घर आना सब तो पहला इन्होंने 15-20 मिनट अपनिया बड़े खिड़े मत्थे पिछे जो इन्हें बीमार भी रहे अपन रचनाव दसनिया एक मैं इस नाटक के लिए भी आ लिख लिया जो कोई नवी किताब आनी तो जरूर इन्होंने उस शेयर करनी भी देख मैं आ कर रहा हूँ इतना के महापुरख जो संसार चो जाते हैं तो एक गल तो जरूर कही जा सकती है जिते धिया पुत्रा घाटा पैदा ये जो अनूप सिंह नूरी जी का घाटा मैं लगता परिवारक घाटा तो कहीं खत्म हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर तो पिता का साया जाना शरीरक एहसास का जाना जब घर चो प्यो चलिया जाता तो फिर बच्चों को लगता भी जिम्मेवारी हम कि शुरू है कि खत्म जदों तक प्यो हों उदों तक साढ़े कुछ गुस्से किले भी होंगे या साढ़े कुछ जिस दिन अनूप सिंह जी ने अपनी माता की कुख जन्म लिया मरना तो उस दिन वो लिखवा रहे इतने आके रिश्ते बड़े कोई धी बनी कोई पुत बनया कोई दोस्त बनया कोई भरा बनया कोई कवि सम्मेलन के साथी बने कि संस्थावान अगे लेके गए वो तो इतने आके लिखे लैके गए पर अनूप सिंह जी को पता से मेरी जान का समा मेरे गल होती सी एक दिन मुके दवाई लैन गए बड़े काले कि मैं वापस आया उन्होंने अपनी जगह का पता से उन्होंने अपने समय का पता से उन्होंने अपने कारण का पता जब असी जाना परमात्मा ने सानू भी अपने आप ही दस दें असं भी दुनिया चो अपने आप ही पिछे एक गुरु की रहमत है गुरु की
बख्शिश है। वह पूरी मेहनत न पूरी जितो जितो ताने का टुकड़ा भी मिलता उन्होंने साह की कुंजी उन्होंने लिखण की कुंजी सारी इकट्ठी करके लोगों के बीच लैके जा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। मैं समझदा हाँ कि 2 बजे वाले हैं पर 7 मिनट रह गए। बहुत धन्यवाद है संगतान का जिन्होंने 2.5 घंटे गेट बैठ के तपस्या की है। आम असी जाते रहने प्रोग्रामा खुशी के शोक के भोग जोड़े होंगे उन्होंने जाते रहते तो भाजी जाते हैं पर फिर भी अद्धी की संगत चले गई है अद्धी की जी बैठी आ। बहुत धन्यवाद है। मैं 2 मिनट बस धन्यवाद थोड़ा करके देखे माता जाचक हो जाना। अज ती साडे कम के कितने पहुंचे हो तुहाडा तहे दिलों धन्यवाद है। साढ़े बापू जी अनूप सिंह नूरी बारे बुलावे ने बहुत कुछ दस दिता। मैं बस एक दो गल दसनिया देखे मैं जाचक हो जाना। सुनते होंगे सी जो चीज विछड़ जाती हथ है फिर पछतावा हुआ। जिमें छोटे होंगे देखते होंगे सी पैसा हथ च फड़ लेना तो उन्होंने ए घुमाई देना जो नाली च जा डिगना तो डिगना हाए हो गया हथ चो घुमा लेनी चीज। उस तरीके साढ़े बापू जी जे तो बीमार हो के मंजे के रगड़े जाते थोड़ा बहुत दवाइया सानू कहते भी तुम हस्पताल जाओ बाथरूम से जाके वो करते पेशाब के नाल पजामा निबड़ा तो असं कह कहना सी बहुत सेवा कराई साढ़े को असी बहुत इलाज इन्हों का कर लिया तो हम रब्बा तो चुप लग गए। असी अरदासा भी कर लिया बहुत सारे बंदे जे उन्होंने सराहने पाठी ग्रंथी बिठा के अरदासा कीतियां जांदियां कि जे तंदुरुस्त नहीं करना तेन चुप लो। ये गल झूठ नहीं कई वारी सच्ची गल जी दुख दी लोली पॉप जरा मिठा लगा। यह गल बिल्कुल सच्ची आ जिदा भी अज मैनों फकर आ कि मेरे फादर इला एक बहुत सच्ची जिंदगी जी के गए कि असी पहला जीद्या नालों मरिया ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों ना उन्होंने मल मूत्र ना उन्होंने कि टॉयलेट ना उन्होंने कितने मूँह चो थुक निकलिया जेड़े इन्नी सच्ची जिंदगी के नाल एक मिनट के बिच बिच इधर उधर हो जाना बहुत वड्डी गल है। असी सलूट करते अनूप सिंह नूरी साढ़े फादर साहब न कि इदा की सच्ची जिंदगी होरना के भी लेखे लिखा दौ होर भी इदा की जिंदगी के नाल बतीत करके दे जान। इदा का सफर हर बंदे के किस्मत में नहीं लिखा जाता। मैं खुद देखे मंजे पर रगड़े जाते हड्डा तो मास लह जाता ते सारा टब्बर अरदासा करता तेनों रब्बा चुकला। अनूप सिंह नूरी ने इदा का कुछ नहीं करवाया ना मुंडिया इदा का मौका दिता ना धियां दिता ना किसी होर दिता भी मैं चुक के एक दिन मंजे पर फाड़ के लम्मा पा। बहुत समय तो बैठिया सारे का बहुत तह दिलों धन्यवाद आ। वाहेगुरू जी का खालसा।